स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिमतत पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HPPSC का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पूरी जो जानकारी हम आपको देंगे, 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2008-09 में हिमाचल प्रदेश विकलांगों द्वारा विकलांगों के लिए जारी की गई एक विस्तृत एकीकृत योजना क्या है, ये आपको बताना था। 2008 में ये विकलांगों के लिए एक योजना चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा, वो क्या है, तो वो आपको बताना था। इसका राइट आंसर जो है वो है सहयोग, ठीक है। इसको चलाया गया था 2008-09 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना था। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1996 से लेकर 1997 में ये इस स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है इसमें आया था, ठीक है। डेविड हैंस जिनका हाल ही में IS द्वारा कत्ल किया गया है, ठीक है, ये किस देश के थे, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था, डेविड हैंस जिनका ISI द्वारा कत्ल किया गया है वो किस देश के थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन, डेविड हैंस ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मार्क टर्ली कौन है। अब टर्ली आप सरा भी मत समझ लीजिएगा इसको, मार्क टर्ली कौन है ये आपको बताना था। और क्वेश्चन नंबर था ये 4, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना था, तो ये एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखक है, ठीक है, ये मार्क टर्ली जो है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की मांग की अगुवाई करने वाले स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता कौन है, ये नेशनल पार्टी के नेता का नाम इसमें पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है सी, ठीक है, एलेक्स सैलमोंड, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है, ठीक है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है। सबको आपको पता होगा विनोद राय का ये बुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1987 का मटेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपको बताना था। 1987 का मटेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो राइट आंसर था वो है पर्यावरण, ठीक है, ये प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस संस्था का नाम क्या है जिसके 24 छात्र हाल ही में ब्यास नदी में डूब गए थे, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसका राइट आंसर था वो आपको बताना था, वो है विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट के, ठीक है, ये बिल्कुल सही। इसका क्वेश्चन नंबर 9 था, हिमाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन है, सोहनी महिवाल पॉइंट किस दरे के पास है, ये आपको बताना है। अगर आपको टाइम चाहिए, टाइम हम आपको दे रहे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका आपको आंसर बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो ये चेनाब जो है, सोहनी महिवाल ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चुमार भारत तिब्बत सीमा के किस सेक्टर में है, आपको बताना था, ठीक है, चुमार भारत तिब्बत सीमा के किस सेक्टर में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था और इसका आंसर आपको देना था, और इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी से मंगल तक का सफ़र कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था, ये 6, 7, 8, 9, तो 9, 9, 8, 8, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो इसको आपका आंसर बताना था, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। पृथ्वी आपको पता, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से मंगल ग्रह कितने दूर है, ठीक है, वो आपसे पूछा हुआ है। अब कितने किलोमीटर है वो आपको बताना था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है 666 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में ब्रिटिश संसद में कश्मीर की राजनीतिक और मानवीय परिस्थिति पर बहस की अगुवाई किसने की है, तो ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो है डगलस एलेक्जेंडर, ठीक है, भारत की राज जो कश्मीर की जो हालत थी पॉलिटिकल
उसकी और मानवीय परिस्थिति पर बहस की गई थी इस समय ये डगलस अलेक्जेंडर द्वारा। अगला क्वेश्चन था, उस्ताद अब्दुल रशीद खान निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना था। उस्ताद अब्दुल रशीद खान क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आपको आंसर देना था सितार, कव्वाली, तबला या शास्त्रीय गायन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका शास्त्रीय गायन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मसी मिले आनो लातोर जो भारतीय मछुआरों की हत्या का दोषी है किस देश का है। मसी मिले आनो लातोर, ठीक है, मसी मिले आनो लातोर ये एक व्यक्ति समझ लीजिएगा आप, ठीक, जो दो भारतीय मछुआरों की हत्या का दोषी है किस देश का है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था 14, और इसका आपको आंसर देना था। आपका टाइम आपके पास है अभी, कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इटली, ठीक है, ये लातोर जो था ये इटली का था और इसने दो मछुआरों की हत्या की थी। अच्छा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एग्ज़ाम में कि संधोता गांव जो हाल ही में मलबे के नीचे दब गया था जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में, ये आपको बताना है। और अभी जम्मू में क्या क्या हुआ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका जो राइट आंसर था वो है उधमपुर, ये सदोता गांव जो है उधमपुर में था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि बोलकर रिपोर्ट का संबंध किससे है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलकर रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नटवर सिंह और उसके बेटे की इराक से अनाज के बदले तेल में भूमिका, बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस महिला ने एवरेस्ट को दो बार फतेह किया है। तो इसका संतोष यादव बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, हलीला नामक भारतीय मूल की महिला किस देश की सांसद की स्पीकर बनी, ठीक है। तो हलीला नामक की भारतीय मूल की ये महिला किस देश की संसद की स्पीकर बनी, ठीक है। जिस प्रकार इंडिया में जो लोकसभा की स्पीकर है सुमित्रा महाजन, तो उसी प्रकार से ये भी हलीला नामक भारतीय मूल की महिला किस देश की सांसद या स्पीकर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 18, और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरविंद केजरीवाल का को किस वर्ष मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ये आपसे पूछा गया था अरविंद केजरीवाल को किस वर्ष मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है बी, 2006 में, ठीक है, ये आपको सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सार्क देशों के गृह मंत्रियों की छठी बैठक का मिलन स्थल क्या है। तो सार्क की जो बैठक हुई थी उसकी जो छठी बैठक हुई थी वो उसका मिलन स्थल क्या है, कहाँ है, ठीक है, या क्या है, तो वो आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है काठमांडू, ठीक है, ये नेपाल में है, तो इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कौन से प्राचीन पुस्तक जीवन से के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर ऐसी कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान करती है जिनसे जिनमें वक्ता जानवर है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर था वो आपको बताना था, ये पंचतंत्र जो है ये बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, ये अलग अलग कहानियाँ बयां करती है, शिक्षा देती है, परंतु उसमें वक्ता जो है कुत्ता है, ठीक है, सॉरी जानवर है, ठीक है। तो अगला जो इसका था क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन दर्शन की कौन सी विचारधारा जो सार अस्तित्व का दो मूल श्रेणियों का वर्गीकरण करती है, पुरुष और प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर था ये, ठीक है, ये है संख्या, ठीक है, संख्या। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक वेदांग है, ठीक है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर था वो था ज्योतिष, ठीक है, ये बिल्कुल सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 24 था, भारतीय काल में नालंदा के अलावा बिहार में कौन सा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 24, तो नालंदा के अलावा बिहार में कौन सा महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय था वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो बी ए विक्रमशिला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
और इसको किसने बनाया था? धर्मपाल ने। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन रामानुज के शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 25 और इसका जो राइट आंसर है वो है रामानंद। ठीक है, रामानुज के शिष्य थे रामानंद। क्वेश्चन नंबर 26, किस संत का संबंध बंगाल से है, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका जो बी है चैतन्य, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 27 क्वेश्चन नंबर है, ये भास्कराचार्य कराचार्य की लीलावती का विषय क्या है? भास्कराचार्य की लीलावती का विषय क्या है, टाइटल क्या है लीलावती का, वो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 27। और इसका जो टाइटल है वो है गणित। ठीक है, लीलावती का टाइटल है गणित। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना था, तो ये आपको पता होगा कौन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड के रूपकुंड नामक रहस्यमय झील किस स्थान पर है, ये आपको बताना था उत्तराखंड में रूपकुंड नामक रहस्यमय झील किस स्थान में है, तो इसका जो चमोली, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये अभी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 30 है उस समय इसका ललिता कुमार मंगलम थी, और अभी कौन है, ठीक है, ये आपको बताना 2019 में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य या अध्यक्ष कौन है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था, आपका टाइम अब शुरू होता है, अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर था वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को आविष्कार किया था। ठीक है, ऑडियोमीटर किसका मानदंड है, ये आपको बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आवाज़ की प्रबलता सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राम बेल ने, ये ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन था मानचित्र में एक समान दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इसको आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत नहीं है, ऊर्जा क्या होती है आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका नया स्रोत नहीं है, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 35 का ए बिल्कुल सही है, कोयला पुराना अतिरिक्त ये नया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना था, 36 क्वेश्चन नंबर है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जे जी मेंडल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, क्वेश्चन नंबर 37 का, तो इसका भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ने की बात आ गई, तो भारत, ठीक है, इससे पहले गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाए, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो या जो भी बहुत से आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, छोटे थे बड़े थे, फिर जब ये था लास्ट बार छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में, तो अब इन्होंने बेबस होकर बोला कि अब करो या मरो, अगर कर सकते हैं इनको भगाओ अंग्रेजों को, नहीं तो फिर मरो। ठीक है, तो इसलिए करो मरो का नारा इसमें दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, बहिष्कृत भारत के संपादक कौन है, ठीक है, ये आपको बताना था, बहिष्कृत भारत के संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर था 38, और इसका जो राइट आंसर था वो है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, पहले कानून मंत्री भारत के। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। और अगला था कीर्ति किसान पार्टी किसने स्थापित की है, ठीक, या की थी, कीर्ति सम्मान पार्टी किसने स्थापित की, ये आपको बताना है। 39 क्वेश्चन नंबर है, और इसका जो राइट आंसर है वो है सोन सिंह जोश, तो इसका बिल्कुल सही होगा, कीर्ति सम्मान पार्टी सोन सिंह जोश, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 40, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो अगला जो ऑफिशियल जो जानकारी HBPSC के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वो हम आपको देंगे, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था यही सेम, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि PDF में जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में आया था वो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। और करंट अफेयर के आपने बहुत से लोग हो गए जिन्होंने तैयारी नहीं की, ठीक है, आपका HBGK अच्छा होगा, इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, HT अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, परंतु करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है रोज़ाना, आज ये हुआ कल वो हुआ,
तो उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो हम कल उसके लिए एक आधे घंटे तक की 30-35 मिनट तक की एक वीडियो बना कर देंगे आपको, पूरे कवर करने की हम उसमें कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी बाहर लौटे थे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल हिम तक पर, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है तो बेल आइकन एक आती है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज के लिए इतने, नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।